ठाकुर। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। बरेली सुभाष नगर में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज सुभाष नगर गली नंबर 1 चांदवारी में मिला था, जो कि सीज फायर कंपनी में नोएडा काम करता था। लगता है सुभाष नगर में अब नजर सी लग गई है, क्योंकि सुभाष नगर चांदमारी के बाद बिश्नाथपुरम, स्टेशन रोड, सराय और अब अवध कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक में भी कोरोना मरीज मिले हैं। अब देखते हैं क्या सबसे पहले बरेली में लगे हॉटस्पॉट की जनता अब दोबारा से पालन करेगी या आवाजाही तेज रहेगी। कोरोना से मरने वालों में आज सुभाष नगर के 70 वर्षीय बुजुर्ग भी थे। हम आपको दिखा रहे हैं अपने संवाददाता धीरेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ धीरेंद्र सिंह। बरेली में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव सुभाष नगर में ही मिला था, जो कि सीज फायर कंपनी में काम करता था, नोएडा से आया हुआ था। अब दोबारा से सुभाष नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जो कि अवध कॉलोनी में एक आप देख भी रहे हैं कि हॉटस्पॉट पुलिस ने लगा दिया गया है। अब पुलिस का यह कहना है कि काफ़ी समय से स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक मरीजों को लेने नहीं आया है। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी कही जा सकती है। बरेली में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रशासन की भी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। जैसा कि अभी जानकारी में प्राप्त हुआ है कि प्राइवेट लैब से इसकी पुष्टि हुई है। अब देखना यह है कि सुभाष नगर वासी किस तरीके से, क्या पुरानी तरीके से वो लॉकडाउन का पालन करते हैं, हॉटस्पॉट का पालन करते हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी स्वास्थ्य विभाग आकर मरीजों को लेकर जाता है। अब देखना यह है कि बरेली में किस प्रकार से मरीजों की रोकथाम होगी। जैसा कि अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि सुभाष नगर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, एक मरीज जो कि अवध कॉलोनी में मिला है, दूसरा मरीज तिलक कॉलोनी में मिला है। लेकिन अभी कई घंटे गुजर चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी गतिविधि नहीं नज़र आ रही है। क्या स्वास्थ्य विभाग इसी तरह लापरवाही बरतता रहेगा? देखना भी यह है कि लगातार यहाँ पर चहल पहल होती भी जा रही है। अभी जैसा कि सुभाष नगर में कोरोना पॉजिटिव 2 मरीज पाए गए हैं, यहाँ पर जानकारी में ये प्राप्त हुआ है कि सुबह से मरीज अपने घर पर ही हैं, क्षेत्रवासियों के अंदर काफ़ी दहशत है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है सुनने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक कोई भी एम्बुलेंस या कोई भी सुविधा हमारे पास नहीं आई है। बात करते हैं अभी हम यहाँ के क्षेत्रवासियों के, उनका क्या कहना है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तुषार। क्या कहना चाहते हैं तुषार जी? कि यहाँ पर अभी तक प्रशासन ने, सुबह का ये केस निकला हुआ है, सुबह को पता चल गया था कि इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी इस पर कदम नहीं उठाया गया है। क्या मानते हैं इसमें किसकी कमी लग रही है आपको? अभी तक तो यही लग रहा है कि प्रशासन जो है अब हल्का पड़ चुका है, और प्रशासन जो जितनी मुस्तैदी पहले दिखाई गई थी पहले केस में, अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या नाम है सर आपका? आशीष सक्सेना। सक्सेना जी, क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन अब बड़ी लापरवाही कर रहा है। जिस प्रकार से पहले मुस्तैदी थी, जागरूकता थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, कोई अवेयरनेस नहीं है। सुबह से पता है पीपी किट आके वो टेस्ट करके जा चुके हैं, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं है। अब बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई बैरिकेडिंग हम लोगों द्वारा खुद लगाई गई है यहाँ पर। नहीं, अभी अभी पुलिस यहाँ पर आई थी, क्या पुलिस ने बैरिकेडिंग वगैरह में कोई सहयोग नहीं किया? नहीं नहीं, हाँ मदद करवाई थी, ये नहीं है, मदद करवाई थी, पुलिस बैरिकेडिंग करवा चुकी है, लेकिन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या नाम है सर आपका? शिवम सक्सेना। क्या कहना सक्सेना जी, क्या कहना चाहते हैं? जी हमें सुबह से न्यूज़ पता है 8 बजे से कि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीज है, उनकी वाइफ भी है, उनका टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ना एम्बुलेंस आई है ना कुछ, बस एक बार सैनिटाइजेशन हुआ उनके गेट पे। क्षेत्रवासियों का कहना यह है सुबह से यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज अपने ही घर के पास और अपने ही घर में कैद है, स्वास्थ्य विभाग सुनने का नाम नहीं ले रहा है। जिस कोरोना पॉजिटिव मरीज से लोगों के आसपास हड़कंप मच जाता है, वहीं पर अब सुभाष नगर में मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ठंडा बैठा हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आगे प्रशासन क्या रुख अपनाता है। बने रहिए हमारे संग सिटी न्यूज में। इसी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।